सर बहुत बहुत शुक्रिया आप इस बारिश के मौसम में जहाँ पे आए हो और हमारे लोगों की समस्या सुनने के लिए। मैं जहाँ का रहने वाला हूँ, मेरा नाम बलराम कुंडल है और आज हम इसलिए आपसे अपील करते हैं कि बरसात के मौसम में क्या हर साल हर बरसात के मौसम में जो हमारा रास्ता चारों तरफ से कट हो जाता है, इस दरिया की वजह से हमारे छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो स्कूल नहीं पहुँच पाते हैं और पेरेंट्स जब भी उनको सुबह लेकर आते हैं दरिया की हालात देखकर उन बच्चों को वापस घर ले जाते हैं। कई कई दिनों तक स्कूल बच्चे नहीं जाते हैं इस दरिया की वजह से। और ये हमारा मेन रास्ता है, तीन चार गांव का जो मेन रास्ता है जहां से हम सभी लोग गुजरते हैं। कोई महिला बीमार हो जाए, कोई बीमार आदमी बीमार हो जाए, कोई बच्चा बीमार हो जाए तो इसी दरिया से क्रॉस करना पड़ता है। हम तीन चार गाँव जो हैं इस टापू के बीच हैं जहाँ की हमें कोई भी लिंक जहाँ पर नहीं मिलता है जहाँ से हम नेशनल हाईवे पे पहुंच जाएं, जहाँ कहीं हॉस्पिटल में पहुंच जाएं, कहीं स्कूल में पहुंच जाएं। तो हमारा तो हुआ जो हुआ, लेकिन हमारे बच्चों का भविष्य जो आने वाला है वो बिल्कुल डार्क है, बिल्कुल अंधेरा है, क्योंकि ये ही हमारे रास्ते हैं जही जहीं से गुजरना पड़ता है। अगर हम बीमार हो जाएं, कहीं बुज़ुर्ग को जहाँ से ले जाना हो तो ये जहाँ से चारपाई से उठाकर पार ले जाना पड़ता है। और क्या होता है कि जब पानी बहुत होता है तो हम नहीं जा पाते हैं, कहीं भी नहीं जा पाते हैं। इधर से छोटे छोटे बच्चे जो प्राइवेट स्कूल में जाते हैं तो डैम की जो दीवार है जो बनी हुई है कच्ची दीवार के ऊपर से जाना पड़ता है। कहीं बरसात के मौसम में कहीं किसी बच्चे का पैर फिसल जाए वो भी नदी में गिर जाएगा। तो हम जो अपील करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, कि इतने इतने दावे, इतने इतने वादे कि हर जगह विकास ही विकास है, तो हम जो तीन चार गाँव के लोग हैं जहाँ के हम विकास को ढूंढ रहे हैं कि विकास है कहाँ है। हम अभी भी पत्थरों में ये आप देख ही रहे हैं, ये हालत है हमारे गांव के रास्तों की। और हमारे बच्चों को स्कूल जाने में इतनी दिक्कत आती है कि हम तो चाहते हैं कि हम तो 70 साल से पीछे का जो युग जी रहे हैं। हम एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करते हैं कि जहां पे ध्यान दिया जाए, जहां पे कोई सरकारी मुलाजम, जहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर कोई आकर देखे कि वाकई ये लोग कहाँ रह रहे हैं और इनका क्या जीना है, कैसा गुजरते होंगे जे बरसात के मौसम में हम अंधेरे में जहीं पे चल नहीं पाते हैं। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जहाँ पे आकर देखिए और इसका जो भी है प्रपोजल बनाकर एडमिनिस्ट्रेशन को भेजिए ताकि आने वाले दिनों में हमारे लिए कोई स्टील ब्रिज ही बन जाए, ताकि बच्चे जो हैं हमारे उनकी जो फ्यूचर है वो डार्क ना रहे, वो अच्छा बन जाए। अगर हमने नड को जाना पड़ता है तो आगे भी एक ऐसा गंदा रास्ता है, वहाँ भी इतना कीचड़ है कि वहाँ से गाड़ी नहीं निकल सकती है। तो हम चाहते हैं, सरकार से अपील करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से करते हैं, एलजी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि एलजी साहब हाँ कोई एडमिनिस्ट्रेशन का भेजा जाए
आकर देखें, हालात देखें, इन लोगों से पूछें जिनकी 80-80, 90-90 साल उम्र हो गई है और उन्होंने जही का जही देखा है। हम चाहते हैं कि जहां भी डेवलपमेंट होनी चाहिए, हमारे बच्चों के लिए कोई अच्छा सा रास्ता, अच्छा सा पुल बनना चाहिए। जे हमारे इधर पार में जे हायर सेकेंडरी स्कूल बना है, नई बिल्डिंग बन रही है, 10वीं का स्कूल बना है, लेकिन इस दरिया की वजह से हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। जब सुबह जाते हैं तो इतने इतने तक पानी, जो उनके गर्दन तक पानी पहुंच जाता है और पेरेंट्स पकड़ के उनको पार करवाते हैं। तो हम जो सोचते रहते हैं दिन भर कि बच्चा घर ना पहुंचा, तो हमें यही खतरा रहता है कि हमारा बच्चा कहीं नदी में गिर ना गया हो, कहीं दरिया में बह ना गया हो। तो कई जहाँ पर जानी माली नुकसान हुए हैं। अभी बरसात के मौसम में जो पूरा पानी बहो जो है वो मंदिरों की ओर भरा और मंदिरों की दीवारें तोड़ दी और बहुत नुकसान हुआ। तो पहले भी हमने एक दो बार डीसी साहब को भी बतलाया कि ये चेक डैम की वजह से हम लोग बहुत ही जहाँ पे घुटन महसूस कर रहे हैं कि बरसात के मौसम में हमें कोई ना कोई आफत बन जाती है। हम गुहार लगाते हैं कि जल्द से जल्द जहाँ पे कोई कार्य किया जाए ताकि आने वाला जीवन जो है, हमारे बच्चों का जो फ्यूचर है, वो अच्छा हो सके। मेरा नाम नीना है, मैं आमली गाँव की रहने वाली हूँ। और सर, हमारी बहुत बड़ी समस्या है कि ये दरिया, हमें कहीं भी जाना होगा तो यही दरिया क्रॉस करके जाना पड़ता है। और देखो, हमारे बच्चे ना अभी जब से बरसात है घर में बैठे हैं, क्योंकि रास्ता ही नहीं है जाने का। छोटे छोटे बच्चे हैं, औरतें तो दरिया क्रॉस करा नहीं सकती, और बंदे घर में ही थोड़े बैठेंगे, वो उन्होंने काम भी करना है, काम करेंगे तो कुछ खाएंगे भी। सर, इसलिए हमारी यही प्रार्थना है सभी से, माननीय प्रधानमंत्री से, मनोज सिन्हा LG से, सभी से, DC से, सभी से यही रिक्वेस्ट करते हैं हम हाथ जोड़ के कि सर, हमें मैडम थोड़ा सा भी कोई चलने का रास्ता दे दो दरिया के ऊपर से। छोटा मोटा कोई पुल ही डाल दो, कोई छोटा मोटा ब्रिज। हम नहीं मांगते कि हमें गाड़ी का ही रास्ता चाहिए, कोई चलने वाला, पैदल चलने वाला रास्ता ही दे दे हमें। क्योंकि एक महीना की बरसात हो गई है, अभी एक महीना हो गया हमारे बच्चों ने घर बैठे हुए। अभी अक्टूबर में जब पानी का बहाव थोड़ा कम होगा तब हमारे बच्चे स्कूल जा पाएंगे, ऐसे तो वो घर में ही बैठेंगे। सर, अभी आप खुद देख सकते हो, अपना कैमरा जूम करके देख लो, इधर देखो धूप निकली है और ऊपर से पानी का बहाव ज़्यादा हो रहा है। ऐसे में अगर हम बच्चों को स्कूल भेज भी दें, मानते हैं कि आज धूप है, बच्चे चले भेज भी देंगे स्कूल, देखो आप खुद देख लो कि पानी का बहाव अभी भी ज़्यादा हो रहा है। ऐसे में तो रिस्की है ना, कई लोगों की यहाँ जान भी चली गई दरिया क्रॉस करते हो, क्योंकि घर तो सभी ने आना है। दरिया क्रॉस करते हुए कोई बह गया, किसी के जानवर बह गए, किसी ने कोई गाय वगैरह भैंस वगैरह रखी है वो बह गए। सर, स्कूल तो है हमारे पास, हमें बहुत खुशी है कि ये स्कूल बन रहा है हमारे पास, 500 मीटर की दूरी पे स्कूल है ये, पर हमें कोई साधन ही नहीं है। हमारे बच्चे जहाँ तो सुंब में जाएंगे पढ़ने, जहाँ सांबा में जाएंगे पढ़ने। सर, हमें बड़ी दिक्कत है, रास्ते की बड़ी दिक्कत है। यही हम अपील करते हैं सभी से यही अपील करते हैं, हाथ जोड़ के सबके आगे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि थोड़ा छोटा मोटा कोई ब्रिज दे दे हमें। हम नहीं मांगते कि हमें गाड़ी का ही रास्ता चाहिए, हमें दरिया से पार जाने का रास्ता चाहिए। हम पैदल भी चले जाएंगे पर होना चाहिए, क्योंकि पानी में ना घुसना पड़े। हम लोग दरिया नहीं क्रॉस कर सकते सर, इतना पानी होता। अभी तो लोगों के घरों में भी पानी घुस गया, यहाँ मंदिर है, मंदिर भी पूरे डूब गए। बड़ी समस्या है सर, हम यही अपील करेंगे सभी से कि हमें रास्ता चाहिए, बस और कुछ भी नहीं चाहिए। स्कूल है तो हमें स्कूल का बेनिफिट भी मिलना चाहिए, क्योंकि बच्चे अपनी आंखों के सामने पास जाएंगे स्कूल तो कितने फ़ायदे होते हैं, क्योंकि इतना टाइम वेस्ट होता है। अभी तो हम बिल्कुल कट हैं, बरसात के मौसम में बिल्कुल कट हैं, कहीं भी हम रोड पे नहीं जुड़ते हैं, कहीं कोई भी नेशनल हाईवे या किसी कोई भी संपर्क नहीं, या कोई हॉस्पिटल कोई कुछ। बस यही है कि अगर कोई बीमार हो जाए तो चारपाई पे उठा के उसको दरिया क्रॉस कराएंगे, अगर होगा पानी थोड़ा बहाव कम होगा तो ले जाएंगे, ज़्यादा होगा तो घर पर ही दम तोड़ देगा कोई। सर, यही रिक्वेस्ट है सभी के आगे, हाथ जोड़ के सभी के आगे रिक्वेस्ट है कि हमें छोटा मोटा कोई ब्रिज दे दो। गाड़ी का नहीं हो सकता तो नहीं सही, हमें पैदल चलने के लिए ही दे दो, ताकि हम बरसात के मौसम में दरिया क्रॉस कर सकें। थैंक यू सर। मेरा नाम शोभा देवी है, मैं आमली गांव में रहने वाली हूँ। इधर हमारा यही समस्या है कि आप जो आए हमारे इधर मीडिया वाले, बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद। इधर तो कोई पहुँचने का रास्ता नहीं है, आप पता नहीं कैसे पहुँचे हो इधर। हमारे बच्चे हैं जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हम स्कूल नहीं भेज पाते हैं। जे हाई सेकेंडरी है हमारे सामने, 2 करोड़ की हाई सेकेंडरी बनी हुई है, तो इधर हाई सेकेंडरी 2 करोड़ गवर्नमेंट लगा सकती है हाई सेकेंडरी में, मगर जो जे रास्ता है कोई इतना पैसा नहीं लगता है हमारे लिए। जे रास्ता ब्रिज हमारे लिए कुछ भी, कोई भी, हम 5-6 दिन हुए तो हम DDC के पास भी गए थे, उन्होंने भी हमारे सामने यही वायदा किया कि हम 2-3 दिन तक आएंगे इधर, मगर वो अभी तक नहीं आए। आज 6 तारीख है तो अभी तक नहीं आए। सभी हमारे लिए इतने इतने पुल बन रहे हैं, इतने इतने ब्रिज बन रहे हैं, हमारे लिए कोई भी बिल्कुल भी गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है। हम जे दुनिया जैसे 1947 में रहते थे ना, हम पिछले लोग, हम ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं।
तो हमारी यही हम यही गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं प्रधानमंत्री एलजी मनोहर साहब से कि हमारा इधर रास्ता बनना चाहिए। आप देख सकते हैं डैम के जो सामने सामने रास्ता हुआ है बिल्कुल टूटा हुआ है रास्ता है। नहीं तो आप सुबह बच्चे हम जब स्कूल भेजेंगे ना तो देखना उन्होंने इतने इतने तक ना हम उनको इधर से हम निकल का लेते हैं और जो हमारा डैम का रास्ता है रोड जहाँ पे हम गाड़ी चढ़ाते हैं वहाँ से हम शूज भी उधर पहनाते हैं और स्कूल बच्चे हमें जो हमें बाजार में ही पढ़ाते हैं। अगर इधर हमारा 100 मीटर जो है पूरा दरिया कोई ज़्यादा ज़्यादा दरिया नहीं है 100 मीटर है हम इधर भी बच्चे पढ़ा सकते हैं। कोई ज़रूरी थोड़ी है हम बाज़ार में ही बच्चे पढ़ा सकते हैं। मगर गवर्नमेंट यही है कि बहुत बहुत ज़्यादा उनके आगे रिक्वेस्ट है कि हमारा ये रास्ता बना दे तो बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद और आपका बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया जो हमारे इधर तक पहुँचे। मीडिया क्या हमारे तो इधर कोई कोई जो भी कोई जो बेचने वाला कुछ आता है कबाड़ वगैरह वो भी नहीं पहुँचता है। आप पता नहीं कैसे कैसे पहुँचे हैं ऐसा रास्ता है हमारा इधर। अगर कोई बरसात के दिनों में बीमार हो बरसात के दिनों में जो प्रेग्नेंट लेडीज़ है ना जहाँ तो कोई किसी का रिश्तेदार होगा वो बाजार में चले जाएगी। अगर नहीं होगा किसी का रिश्तेदार तो वो चारपाई के ऊपर इतना इतना लड़के क्रॉस करते हैं पानी चारपाई के ऊपर चार लोग लगते हैं तो फिर उसको क्रॉस कराते हैं दरिया। तो जो बेचारे बुजुर्ग हैं उनको भी ऐसे ही लेते हैं। ये हमारा रास्ता है और ये हमारी समस्या है। अगर ये समस्या हमारी हल हो जाए तो बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद उनका जो हमारा रास्ता बनवा दे। हम कोई ये जिंदगी नहीं है हमारी क्या हम सभी इतने अमीर नहीं है जो ये रोड साइड जा सके। हमने इधर घर बनाए हुए हैं रहने के लिए बनाए हुए हैं इतने आजकल के कोई पूरी दुनिया इतनी अमीर थोड़ी है जो रोड साइड जा चले जाए।